हेलो, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। तो एक बार एक लड़की गार्डन में चल रही होती है और उसको बहुत धूप लग रही होती है। तो वो सोचती है, मेरा घर तो थोड़ा दूर है, इसीलिए मैं जाऊँगी तो मुझे और ज़्यादा धूप लगेगी। तो इधर उधर देखती है और उसको एक पेड़ दिखाई देता है। तो वो बोलती है कि मैं इस पेड़ के नीचे बैठ जाती हूँ। फिर वो पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसके बाद थोड़ी देर में एक वहाँ आदमी आता है, उसके हाथ में एक एक्स होती है। तो वो उस लड़की को बोलता है कि क्या आप यहाँ से हट सकती हैं, मुझे इस पेड़ को काटना है। तो वो बोलती है, पर आपको क्यों काटना है? और तभी वो लकड़हारा बोलता है, क्योंकि मुझे उससे पैसे मिलते हैं और मुझे उनकी ज़रूरत है। फिर वो लड़की ने कहा कि ये तो हमें ऑक्सीजन देता है, फल देता है, छाया देता है, तो ये हमें कितनी चीज़ें देता है, और आप इसे काटे तो मुझे नहीं लगता अच्छा होगा। तो बोलता है कि पर मुझे इसको काटना होगा, क्या आप प्लीज़ यहाँ से हट सकती हैं? वो बोलती हैं, माफ़ कीजिएगा, पर मैं नहीं चाहती ये पेड़ कटे, तो मैं नहीं हट सकती। फिर वो लकड़हारा गुस्सा हो जाता है और चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद बारिश होनी शुरू हो जाती है। तो फिर वो वापस से भाग के उसी गार्डन में आ जाता है और वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है। फिर वो लड़की उसे कहती है, अब वापस यहाँ आ गए? तो लकड़हारा कहता है कि हाँ जी, बारिश हो रही है इसीलिए मैं आ गया। तो कहती कि अगर आप इस पेड़ को काट देते तो क्या आप बारिश से बच पाते? नहीं ना? तो आप सब भी ध्यान रखिए, आप पेड़ को मत काटिए और ज़्यादा से ज़्यादा मिलके पेड़ लगाइए और अपने फ्यूचर को बचाइए। हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे।